हेलो फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस बोलते ही हमें केक की याद आ जाती है। आज मैं आपके साथ क्रिसमस वाले वही फ्रूट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने बनाया है बिना अंडा, बिना एल्कोहल और बिना कंडेंस मिल्क के। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम केक के लिए फ्रूट्स को सोक करेंगे। इसके लिए एक बॉल में मैंने 2 टेबलस्पून लाल टूटी फ्रूटी, 2 टेबलस्पून ग्रीन टूटी फ्रूटी, 2 टेबलस्पून मगज, 7 से 8 चेरीज कटी हुई, 8 से 10 काजू कटे हुए, 8 से 10 बादाम कटे हुए, 8 से 10 मुनक्का को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसके बीज को मैंने निकाल दिया है, 2 टेबलस्पून किशमिश, 5 अंजीर कटी हुई, 7 से 8 खजूर छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लेंगे। इसके बाद इन सभी ड्राई फ्रूट्स को आधा कप ऑरेंज जूस में भिगो देंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए सोख होने देंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार ऐड कीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी भी आप अपने पसंद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। ऑरेंज जूस को सभी ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक के सोख होने देते हैं। केक का कलर इसकी स्पेशलिटी है, वही कलर लाने के लिए हम शुगर को कैरमलाइज करेंगे। इसके लिए एक पैन में 1/2 कप चीनी लेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी को हम बार बार नहीं चलाएंगे, इसे फैलाकर मीडियम आंच पर थोड़ी देर रखेंगे। अगर हम बार बार चलाएंगे तो चीनी जल्दी से नहीं पिघलेगी। बस थोड़ी देर में आप देखिएगा कि चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। चीनी को पूरी तरह से मेल्ट कर लेंगे। कैरेमल तैयार हो जाने के बाद इसे 1-2 मिनट के लिए पका लेते हैं। इसका कलर डार्क ब्राउन हो गया है, अब गैस ऑफ कर देते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा भी हो सकता है। अब गैस को बंद करके हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए 1/2 कप पानी ऐड करते हैं। पूरा पानी ऐड कर लेने के बाद गैस को फिर से ऑन कर लेते हैं और इसमें 1 उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख लेते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम एक बॉल लेते हैं, उसमें 1/4 कप दूध यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर वाला लिया है, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हैं, और कुछ बूंदे वेनिला एसेंस। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद बाउल के ऊपर एक छन्नी रखते हैं और इसमें 1 कप मैदा और 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1/4 टीस्पून लौंग पाउडर और थोड़ा सा जायफल डालते हैं। अब इन सभी चीजों को छान लेते हैं। छानने के बाद इसे थोड़ा मिक्स करते हैं। अब हमने जो कैरेमल लिक्विड तैयार किया था इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते हैं और मिक्स करते जाते हैं। पूरे कैरेमल लिक्विड को ऐड कर लेने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें पहले से सोक करके रखे हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड करते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद बैटर को फिर से मिक्स कर लेते हैं। इस टाइम अगर आपको लगे कि बैटर बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिएगा, पर फ्रूट केक का बैटर गाढ़ा ही होता है। अब बैटर के ऊपर एक छन्नी रखते हैं और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक डालते हैं। फ्रूट केक में बहुत ज़्यादा मिक्सिंग का काम होता है, इसलिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हम लास्ट में ही ऐड करते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए हम इसके ऊपर 1 टीस्पून पानी डालते हैं। अब इसे बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर और सोडा ऐड करने के बाद इसे हम बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे,
थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसे केक मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। अब केक बैटर को पहले से ग्रीस करके रखे हुए केक मोल्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करने के बाद हल्का मैदा डस्ट करके भी केक बेक कर सकते हैं। केक के टॉप पर हम अभी नहीं सजाएंगे, बल्कि जब केक थोड़ा बेक हो जाए तब सजाएंगे, नहीं तो फ्रूट्स बेक होने के टाइम नीचे चले जाते हैं। अब गैस के ऊपर एक बर्तन को मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। यहाँ पर आप पतीला या कढ़ाई कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें केक मोल्ड को रखते हैं और एकदम लो आंच पर ढक के इसे बेक होने देते हैं। इसको लगभग 20 मिनट तक बेक होने के बाद ढक्कन खोल के हम इसे फ्रूट से सजा लेते हैं। इसके बाद फिर से ढककर केक को बेक होने देंगे। यहाँ पे टोटल 40 से 45 मिनट लगेंगे केक को बेक होने के लिए। लगभग 45 से 50 मिनट बाद एक टूथपिक डाल के केक को चेक करेंगे। टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, मतलब केक पूरी तरह से बेक हो चुका है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और केक मोल्ड को ठंडा होने देते हैं। केक ठंडा हो जाने के बाद इसे मोल्ड से निकाल लेते हैं और इसके बाद इसके साइड की और नीचे के बटर पेपर को निकाल लेते हैं। इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये कितने स्पंजी और टेस्टी बने हैं। आप भी इसी रेसिपी से केक बनाइएगा कि बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। केक को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है, देखिए ये कितने परफेक्टली बने हैं। तो ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।